ग्राम पंचायत के आय के स्रोत और कर लगाने की प्रक्रिया। अपने क्षेत्र के विकास के लिए पंचायतें कई तरह के कार्य करती हैं, जैसे कृषि विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, पशुधन विकास संबंधी कार्य आदि। इन सभी कार्यों को करने के लिए पंचायतों को धन की आवश्यकता होती है, इसलिए पंचायतें टैक्स लगाती हैं। गांवों के विकास कार्यक्रमों में लगने वाले धन की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत आय के कुछ स्रोतों से पूरा कर सकती है। इन स्रोतों में मुख्य तौर पर बाजार और भवन आदि शामिल हैं। पंचायतों के आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है। केंद्र प्रायोजित यानी जिसे परियोजना या कार्यक्रम को किसी अन्य व्यक्ति या समूह को पैसा देकर कार्यान्वित किया गया हो, उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 झा के अनुसार राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा सौंपा गया धन, इसके अलावा राज्य सरकार से प्राप्त ऋण अनुदान के प्रावधान भी किए गए हैं। राज्य सरकारों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएं। इन प्रावधानों के बाद भी भारत में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति कमजोर है। अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं के लिए ये राज्य सरकार के अनुदानों पर टिका हुआ है। ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत निम्नलिखित हैं: कर स्रोत, होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, पेशा और नियोजन, फीस और रेट, वाहनों का निबंधन, तीर्थ स्थानों, हाटों और मेलों, जलापूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय और मूत्रालय। वित्तीय अनुदान: राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान भी दिया जाता है। विश्व के अन्य देशों के मामले में भी भारत में स्थानीय निकायों के पास अपेक्षा से कम राजस्व है। 14वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए जाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान समय में पंचायतों के लिए वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें अपने कार्यों हेतु उचित धन प्राप्त हो सके। ग्राम पंचायत द्वारा कर लगाने की प्रक्रिया। सरकार हर ग्राम पंचायत को एक गांव ग्रह कर के बराबर अनुदान देती है, जो उसके द्वारा वसूले गए ग्रह कर की रकम के बराबर होता है। ग्राम पंचायतों को भूमि कर अधिग्रहण, उधार और कर तथा शुल्क लगाने का भी अधिकार प्राप्त है। पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोतों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है: प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, भू राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत कर, विभिन्न मनोरंजनों के कार्यों से संबंधित
मनोरंजन कर। गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाए जाने वाला कर। पशु तथा वाहनों पर लगाए जाने वाला कर। संबंधित क्षेत्र के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय। कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से होने वाली आय। अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कर। पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस। दुग्ध उत्पादन पर लगाए जाने वाला कर। नालियों सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए लिया जाने वाला कर। पंचायती राज अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन में राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए आय के स्रोतों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंचायतें कई तरह के टैक्स वसूल कर सकेंगी।